Bye bye. अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय यमी क्रिएशंस। मेरा नाम है इकरा। एक प्यारी सी सुबह के साथ करते हैं प्यारे वॉक का आगाज। यहाँ पे आ चुका है इबा इब्राहिम के लिए बहुत ही मजे का नाश्ता। ये है स्ट्रॉबेरी क्रोसेंस और ये है चॉकलेट क्रोसेंस। आज इबा का स्कूल ट्रिप है और इस जो ट्रिप के साथ साथ मुझे अपनी मेमोरी याद आ गई, कैसे कैसे सब लोग छोटे होते जब हम लोग की स्कूल लाइफ में स्टडीज़ के दौरान जब ऐसे पिकनिक और स्कूल ट्रिप होता था तो कितनी एक्साइटमेंट होती थी और वही एक्साइटमेंट हिबा को थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा जिसमें हम अपना बचपन जीते हैं अपने बच्चों के साथ, तो बहुत ही प्यारी मेमोरीज ये कलेक्ट होती हैं। तो आज मुझे बेसिकली फिर से ग्रॉसरी के लिए जाना था, तो मैं एक और मॉल आपको विज़िट करवा रही हूँ। ये हमारे घर से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की डिस्टेंस पे है, तो हमने कहा चलें बच्चों के साथ चलते हैं। वरनी तो मैं नॉर्मली ऐसे करती हूँ क्योंकि स्कूल से आने से पहले मैं हो आती हूँ, तो अब मैं आपके साथ जो है आज का ये डिफरेंट मॉल का जो है विज़िट करूँगी और आपको भी इसके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर करूँगी। तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं, ज़रा सिर्फ ग्रॉसरी करनी थी, तो और चाहे चलें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाएगा यहाँ पर, तो आप भी हमारे साथ यहाँ पर चलें। कुछ मॉल्स की अपनी अपनी एक फेवरेट चीज़ होती है, तो यहाँ के मॉल की हमारा फेवरेट है यहाँ का सैलड, और बेसिकली हम लोग यहाँ पर तब जब भी आते हैं तो हम लोग वो एंजॉय करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ क्यों इतना फेवरेट है। तो क्या प्लान है हिबा इब्राहिम? तो जैसा कि हिबा इब्राहिम ने अपनी जर्मन लैंग्वेज में बोला कि हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। बहुत अच्छा ब्रांड है एस्प्रिट, बट सो मच एक्सपेंसिव, सो नो वन इज हियर। स्ट्रीट वनीर बहुत अच्छी शॉप है। टॉम टेलर एंड सेंट ओलिवर। अब जा रहे हैं हम लोग फूड कोर्ट कुछ खाने के लिए। तो इनके पास है सैलेड की बहुत अच्छी ऑप्शंस, तो हम चूज़ करेंगे कि हमें क्या खाना है। इनका सारा बहुत मज़े का होता है, अपनी चॉइसेस पे हम कुछ भी यहाँ से डलवा सकते हैं। और ये है ड्रेसिंग और यहाँ पे है इनके स्पाइसेस, कुछ भी ऐड करना चाहिए। और ये है ऑलिव ऑयल। क्या कह रहे हैं आप? फिश, फिश क्रश पर्ली। ऑर्डर एक्सट्रीम्स हैड काइंड ऑफ एश। ओके, फिश क्रश पर्ली। ओके, लेते हैं जी। करी बॉल्स हैं, शेर श्रेम्स विद कर्ब लिखना है, इसका नाम हाफ एन मिग्रो। कौन सा वाला प्लेटर लेंगे? फर्स्ट वाला बड़ा ले लें, छोटा ले लें? ये तो स्मॉल वन, क्योंकि हमें ज़्यादा इतनी भूख नहीं है। सिर्फ हम लोग ने यहाँ पर एक स्टार्टर चखना ही है, तो थोड़े से कॉर्न्स लेते हैं पहले। क्या लेना है? कौन सा ये ले लें? हस्बैंड को ये जुकीनी बहुत पसंद है, तो ये फ्राइड है, तो ये हम डालेंगे। और अब डालेंगे थोड़े से मशरूम, और ये है पोटैटो, पोटैटो सैलेड, ये भी मेरा फेवरेट है। और साथ में हम लेंगे जस्ट टोमेटो मोज़रेला, वो डालें। ये हमारा सैलेड हो गया। और सॉरी, सॉसेस में हम ये वाली लें? ये ठीक है, ठीक है। ड्रिजल करेंगे सॉस, और यहाँ से हम लेंगे थोड़े से हर्ब्स और नट्स डाल देते हैं बस। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मेरा फेवरेट है। इसके बिना तो सैलेड का ना क्रंच जब तक ना आए मज़ा नहीं आता, तो काफ़ी है। ये है यहाँ की स्पेशल ब्रेड्स जो कि हमें बहुत पसंद है, और देखें ऑलमोस्ट जो कंटेनर्स जो हैं बुफे बिल्कुल खाली हो चुके हैं, तो इसमें से ये डोराइट वाली है ये हम चूज़ करेंगे, साथ में सैलेड के बहुत ही कॉम्प्लीमेंट देती है। और यहाँ पर इनके पास कुछ डिज़र्ट्स हैं,
डोनट्स हैं, पाई है और यहाँ पे तिरामिसू भी पड़ा हुआ है। तो हमें कुछ भी डिज़र्ट्स में कुछ नहीं चाहिए, जैसे वैरायटी बहुत अच्छी है, ड्रिंक्स काउंटर है तो काफ़ी कुछ यहाँ से मिल जाता है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ़िश कनुष्पर्ली के लिए। बेसिकली इनका फ़िश कनुष्पर्ली है फ्राइड फ़िश और बहुत ही मज़े की होती है। अब मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं लोगों की वेटिंग के लिए, तो वो लेते हैं फिर जाए खाते हैं। तो हम लोगों ने अपना गरम गरम ऑर्डर पिक कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पहले आप बाहर का वेदर चेक करें, मैं आपको यहाँ के टेरेस से व्यू करवाती हूँ। कितना खूबसूरत वेदर है बाहर, अच्छी खासी बारिश हो रही है और यहाँ पर किसी का डॉग लेटा हुआ है, बेचारा रेस्ट कर रहा है। और हिबा इब्राहिम अपने फेवरेट प्लस यानी कि फेवरेट प्लेस पे आ चुके हैं। हमेशा या रेस्टोरेंट्स और मॉल वगैरह में बच्चों के लिए एक ना एक कॉर्नर प्लेइंग एरिया बनाया जाता है, ये अच्छा है। पेरेंट्स वहाँ पे बच्चे आराम से बैठ के अपना कुछ खा पी भी लें और बच्चे खेल लें, वेरी नाइस। तो यहाँ का जो स्पेशल पॉइंट है ये है राउंड अबाउट से 4 जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, निकल रही हैं और बाहर जो वेदर था बहुत ही क्लासी हुआ हुआ है और उसके साथ आपको गरम गरम या अच्छा सा स्नैक मिल जाए, जिसमें स्टार्टर में हो एक सैलड और मज़ेदार सी फिश एंड चिप्स, तो ये यहाँ का फेवरेट काम हो गया। यहाँ पे बड़ी मज़े की बात हुई, हिबा इब्राहिम इस एरिया से नहीं निकल रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को आइसक्रीम रखी दूँगी, फिर ये लोग यहाँ से गए। लेकिन छोटा सा प्रैंक हमने भी इनके साथ किया, उसके बाद मिलेगी इनको आइसक्रीम। बाय बाय हिबा इब्राहिम। तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आया। अब चलते हैं ग्रॉसरी की तरफ और ग्रॉसरी के लिए साथ ही मैं इनको आइसक्रीम लेके दूँगी, पर अभी नहीं, अभी पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो जल्दी से मुझे यहाँ फ्रूट ले, वैसे कुछ अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिल गई है। नॉर्मली स्ट्रॉबेरीज काफ़ी शॉर्ट हुई हुई हैं, फ्रेश आ रही नहीं हैं, तो फिर हमने कहा चलो ये मिल गई यहाँ से तो हम ये ले लेते हैं। कुछ मैं यहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह खरीदूँगी, बनानास दूँगी, उसके बाद मुझे कुछ और भी चाहिए बच्चों की स्नैकिंग वगैरह स्कूल के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए, तो कुछ थोड़ा मोटा सामान लेंगे और फिर निकलते हैं। पर है आइसक्रीम सेक्शन, तो अब बच्चों को इस पर से आइसक्रीम का मुझे नहीं ये वाली, बाय बाय। हैव सो मच वैरायटी, स्नीकर्स, मार्स, ओरियो, तो पार्टी हो गई खत्म, हम लोग जा रहे हैं अब घर। पता नहीं आजकल मौसम क्यों है इतना बेईमान, दे रहा है हमें डिफरेंट तरह की क्रेविंग। तो मेरा दिल किया काफ़ी टाइम से कि मैं बनाती हूँ ब्राउनीज़, तो मैंने आज बनाई, बच्चों की वैसी ट्रीट हो जाती है इस तरह की कभी 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 चिट्स बना लेने से, तो बहुत ही मज़े की बनी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, सो इसलिए मैं इसको शूट नहीं किया। फिर मैं आ गई एज़ यूजल थोड़ी सी वॉक पे, अच्छा लगता है थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना बच्चों के साथ, तो हल्की फुल्की वॉक की, उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा यहाँ बाहर टाइम स्पेंड किया। तो फिर मैंने कहा चलें अब क्या बनाऊँ खाने में, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है रात के खाने की, तो बच्चों के साथ फ़न करते करते टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। आज बन रहे हैं बच्चों के लिए चिकन पॉपकॉर्न, जिसके लिए मैंने चिकन, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स निकाल लिए हैं। चिकन को सबसे पहले मैं मैदे में कोट करूंगी, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में, और फिर करते हैं फ्राई। कितने मजे के लग रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न्स।
तो आज के डिनर में बन रहा है बहुत ही मज़े की चीज़ें। यहाँ पे पिश्तेतली हैं, इसको मैं फिल करूँगी चिकन को, चिकन पॉपकॉर्न्स को, और साथ में ये सॉस है, और साथ में बन रहा है फ्रोज़न पिज्ज़ा। कुछ चिकन पॉपकॉर्न रिजर्व कर ली हैं और इनको मैंने इस तरह से पहले चिकन और फिर उसके बाद सॉस और उसके बाद चीज़ डाल के फिल अप कर लिया। ओवन में बेक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। साइड पे पिज़्ज़ा हो रहा है ओवन में, तो यहाँ पर ये बेक होके बाहर आ चुका है, इसका चीज़ मेल्ट हो चुका है, साथ में ही है मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और हमारे चिकन पॉपकॉर्न, और साथ में मैंने सॉस को अलग से बॉल में सर्व कर दिया है। तो अब खाते हैं खाना। सर्दियों में ढलती शाम का मंजर भी बहुत ही अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो करती हूँ एंड, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में माय क्रिएशंस में। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, टिल देन टेक केयर, बाय।